झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा आज समाप्त हो गई। इस बार की परीक्षा बिना किसी परेशानी और हंगामे के शांतिपूर्वक पूरे राज्य में खत्म हो गई है। इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य में 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अंतिम दिन 319,000 कैंडिडेट शामिल होने थे। इस पर हमने जाना ग्राउंड रिपोर्ट से लोकल एटीन की टीम। मेरा नाम मिथिलेश कुमार चौधरी हुआ, हम देवघर से आए हैं। पेपर तो जीके जीएस वाला पेपर थर्ड का जो थोड़ा सा मैथ मतलब कैलकुलेटिव था, उसके बाद फिर जीके वगैरह सब ठीक था। करेंट 2-3 आया था, वही इकोनॉमी से कुछ आया था, उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटिक्स कुछ ये सब था, और उसके बाद में फिर इधर झारखंड जीके ठीक था, और पेपर 3 जो मतलब पेपर 2 जो था लैंग्वेज पेपर वो ठीक था, मतलब मिला जुला के सब ठीक था। हाँ, इजी टू मॉडरेट, मतलब मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट, बाद में इधर सब ठीक था। सब सुविधा सब ठीक था, आज सुविधा सब ठीक था आज सर ना, सब कुछ सब कोई दिक्कत नहीं था, पानी वानी का सब था। इंटरनेट बंद कर दिया गया है, ये तो घर सरकार ही जाने, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं। क्वेश्चन आउट होने रहता है तो एग्जाम के टाइम में नहीं होता है, वो तो पहले हो जाता है ना। हाँ, क्वेश्चन आउट होने रहता है वो तो पहले ही हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जाम देते समय क्वेश्चन आउट हो जाता है। क्या है कि क्वेश्चन तो छपता है 15 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, है ना। अब वो भगवान जाने और झारखंड सरकार जाने कितना क्या होगा, हम लोग जो काम तब कर रहे हैं। बस यही करना चाहते हैं कि जिस प्रकार अभी एग्जाम ले रहे हैं, बस थोड़ा फेयरली सब कुछ हो जाए, आगे भी कोई धांधली ना हो, क्योंकि हम लोग 5 साल से लगे हुए हैं। एक तो कोई बहाली नहीं आ रहा था, और एक आया है उसमें भी कैंसिल होते जा रहा था। इस बार हो रहा लगता तो है कि इस बार फेयरली हो रहा है, बाद में अंदर से क्या है वो तो आप किसी को मालूम नहीं है।